टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ मैं, गीत नया गाता हूँ। अभी टर्न वन का जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन चैप्टर है, क्योंकि हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा मार्क्स का पेपर आ रहा है, तो सीधे मुद्दे पे आते हैं, कम टू द पॉइंट। और दैट द नेम ऑफ द चैप्टर इज फ्रेंच रिवॉल्यूशन। क्या नाम है चैप्टर का? फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और भी ज़्यादा होगा, लेकिन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया गया है। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्या कि सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। दो है, व्हेन डिड फ्रेंच रिवॉल्यूशन अकर, मतलब फ्रांस की क्रांति कब हुई, या इसी को दूसरे तरीके से पूछेगा, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रांस द फॉल ऑफ बस्टाइल टूक प्लेस ऑन। बस्टाइल क्या था? जेल, मतलब कब हुआ, जेल कब गिरा, क्रांतिकारियों ने गिरा। तो वही कहा कि फ्रांस की क्रांति कब हुई, तो इसका सीधा है, बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं आपको पता, 14 जुलाई 1780, 14 जुलाई 1789, 15 अगस्त 1789, 14 जुलाई 1796। आप सबको पता है कि फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई 1789 को ही, दैट्स वाई दिस इज द राइट आंसर। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, कि व्हाट वाज टाइप्स, मतलब टाइप्स क्या था, TITHES, CBSE 2011 में पूछा, टाइप्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रांस की क्रांति के संदर्भ में, क्या था, अ टैक्स लेवल्ड बाय द चर्च, या मतलब चर्च के द्वारा लगाया गया एक टैक्स, टैक्स लेवल्ड बाय द किंग, यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस, या नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं। आपको पता है कि जो चर्च ने टैक्स लगाया था थर्ड स्टेट के लोगों पर, वो था टैक्स लेवल्ड बाय द चर्च, दैट्स वाई द आंसर इज फर्स्ट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इस सबको आप क्या करो, अपनी कॉपी रखो, उस पर लिखते चलो। आप चाहो तो ऑप्शन ना लिखे, डायरेक्ट क्वेश्चन लिखो, व्हाट वाज टैक्स, आप लिखो कि अ टैक्स लेवल्ड बाय द चर्च, हो गया आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, थर्ड प्रश्न क्या कह रहा है, टैक्स फ्रॉम पीजेंट्स टू चर्च वॉज कॉल्ड, टैक्स फ्रॉम पीजेंट्स टू चर्च वॉज कॉल्ड, मतलब पीजेंट्स का मतलब किसान, फार्मर और पीजेंट्स दोनों वर्ड होता है, कि किसानों के द्वारा, अब टैक्स फ्रॉम पीजेंट्स मतलब चर्च किसानों से जो टैक्स लेता था उसको क्या कहते थे, सीधा फिर वही आंसर है, टाइथ्स कहते थे। क्या कहते थे? टाइथ्स, इसको अलग तरीके से पूछेगा तो यह आंसर आपको देना है। हु रोट टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, फ्रांस की रेवोल्यूशन में, मतलब फ्रांस की क्रांति में बहुत सारे फिलोसोफर हुए, दार्शनिक, मतलब कहते हैं आज़ादी की लड़ाई में, कहीं भी किसी देश की आज़ादी की लड़ाई हो, वहाँ पे तलवारों का, क्रांतिकारियों का जितना योगदान होता है उतने कलम का भी होता है, यानी कलम भी समान रूप से। तो फ्रांस की क्रांति में वहाँ के बहुत सारे फिलोसफर्स थे जो लोगों को उकसाकर, उनको किताबें पढ़ाकर, उनको बातें सुनाकर आगाह किया। तो यहाँ पे लिखा है कि किसने, जॉन लॉक, वोल्टेयर, रूसो और डेंटन, इनमें से किसने, हु रोट टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट किताब एक थी, वो किसने लिखा था, तो आपको ध्यान रखना है, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट किसने लिखा था, जॉन लॉक ने। किसने? जॉन लॉक। किताब का नाम, दो तीन किताब है और दो तीन फिलोसफर है, जरूर याद कर लेना, एक जरूर पूछता है। अगले प्रश्न की ओर तरफ बढ़ते हैं, और लिखा है कि हु रोट द स्पिरिट ऑफ लॉस, हु रोट द स्पिरिट ऑफ लॉस, द स्पिरिट ऑफ लॉस किताब है, द स्पिरिट ऑफ लॉस ये किसने लिखी, तो इसका सीधा आंसर है मॉन्टेस्क्यू ने। किसने लिखी? मॉन्टेस्क्यू ने। मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूं, आपको सीधा रखना, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट लिखा जॉन लॉक ने, स्पिरिट ऑफ लॉस किसने लिखा, मॉन्टेस्क्यू ने, यह ध्यान रखना, डी इसका आंसर है। आप अपनी कॉपी में उतारते चलोगे, इसको लिखते चलोगे, आपको बहुत सारे प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। अब कहते हैं हु रोट द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तीसरी किताब का नाम, तीसरी किताब का नाम, हु रोट द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, हु रोट द सोशल कॉन्ट्रैक्ट,
इन्हीं चारों में से घूमेगा। अब एक बार याद कर लिए तो, ये लिखा था रूसो ने, ये किसने लिखा था, हु रोट द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, फ्रांस की क्रांति में अहम किताब और अहम दार्शनिक, तो ये लिखा था रूसो ने। सातवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, व्हिच पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ फ्रांस इज नोन एज रेन ऑफ टेरर, आतंक का मतलब अवधि किस काल को कहता है, आतंक का काल किसको, किस अवधि को, किस पीरियड को कहा जाता है। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, मैं सीधा आंसर पे आऊंगा। कहता है कि रेन ऑफ टेरर, सीधा कहते हैं कि 1793 से 1794 के बीच की जो अवधि है उसको रेन ऑफ टेरर यानी आतंक के राज के नाम से जाना जाता है। 1793 टू 1794, 93 से 94, 1700 तो है ही, आप इतना तो याद रख ही लोगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि हुज रूल इन द हिस्ट्री ऑफ फ्रांस इज नोन एज द रेन ऑफ टेरर। ये तो हो गया कि 1793 से 1794 की ईस्वी काल को रेन ऑफ टेरर मतलब आतंक का काल कहा जाता है, लेकिन क्यों, किसके शासन काल को, तो उस समय वहाँ का शासक कौन था, तो मैक्स मिलियन रॉबेस्पियर, यो उसका शासन काल था, इसलिए उसका क्या कहा जाता है, आतंक का राज, आतंक का राज, कब से कब तक की 1793 से लेकर 1794 के बीच की ईस्वी। नेक्स्ट, नेपोलियन वॉज फाइनली डिफीटेड एट, मीट द वाटरलू एक इंग्लिश में फ्रेज आता है, मतलब मुंह की खाना, सीधा इसका हिंदी अर्थ है कि मीट द वाटरलू मतलब हार जाना। नेपोलियन को कहाँ हार का सामना करना पड़ा, तो वाटरलू में, वाटरलू जगह है, वहाँ पे नेपोलियन की पराजय हुई, इसीलिए इसको कहते हैं मीट द वाटरलू का मतलब होता है हार जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट वाज द लिटरल मीनिंग ऑफ सांस क्लोज, व्हाट वाज द लिटरल मीनिंग ऑफ सांस क्लोज, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो लिखा है कि दोज, इसका आंसर क्या है, दोज विदाउट नी ब्रीचेस, मतलब वहां पे विरोध को प्रदर्शन करने के लिए ऐसा एक खास किस्म का कपड़ा पहना गया, घुटने से नीचे तक नहीं था, उसको कहा इसका व्हाट आर द लिटरल मीनिंग ऑफ सांस, ये फ्रेंच वर्ड है इसलिए इसका सही प्रोनाउंसिएशन यदि दिक्कत हो तो कोई दिक्कत नहीं, वर्ड याद रखना, सांस क्लोज का लिटरल मीनिंग क्या होता है, इसका अर्थ होता है दोज विदाउट ब्रीचेस। आगे की बात, 13th क्वेश्चन, 13वें प्रश्न पे आते हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रांस व्हाट वाज टेल, टाइप्स की बात तो कर लिया, अब टेल क्या था, यह भी एक प्रकार का टैक्स था, यह भी एक प्रकार का टैक्स था जो मतलब डायरेक्ट टैक्स था, डायरेक्ट टैक्स के सीधा कहेंगे टैक्स पार्ट का, एन इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स कस्टम टैक्स ड्यूटीज कहेंगे डायरेक्ट टैक्स था, यह भी एक प्रकार का टैक्स था, थर्ड स्टेट के लोग ही टैक्स पे करते थे, 3 स्टेट में विभाजित था, फ्रांस की क्रांति पूरी दुनिया को लिबर्टी फ्रेटर्निटी और इक्विटी का नारा दिया, इसने बताया रास्ता कि जब राजा तानाशाही हो जाए, डिक्टेटर हो जाए, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रांस द टेनिस कोर्ट ओथ टुक प्लेस, टेनिस कोर्ट ओथ कब हुआ, तो इसका सीधा आंसर क्या है, 20 जून 1789, टेनिस कोर्ट कब हुआ, टेनिस कोर्ट तो कहेंगे 20 जून 1789 को, ये इसके आंसर हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, 14 के बाद 15वें पे, हु रोट, 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हु रोट, ये ध्यान से आपको देखना है, हु रोट एन इन्फ्लुएंसिंग पैम्पलेट कॉल्ड व्हाट इज द थर्ड स्टेट, एक पैम्पलेट लिखा था व्हाट इज द थर्ड स्टेट, वहाँ पे क्रांतिकारियों ने मतलब वहाँ के फिलोसफर्स ने क्या किया कि बाजारों में जाकर, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग उस समय थे नहीं, तो फिलोसफर्स के बातों को बाजारों में जाकर बोल कर पैम्पलेट चिपका कर या ऐसे कर करके फैलाया जाता था, तो इसमें ये कह रहे हैं कि हु रोट पैम्पलेट कॉल्ड व्हाट इज द थर्ड स्टेट, ये किसने लिखा था, तो ये लिखा था रूसो ने, किसने लिखा था, व्हाट इज द थर्ड स्टेट, रूसो ने लिखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, 16वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से कितने क्वेश्चंस, मतलब 10 नंबर के प्रश्न आएंगे, जिसमें से ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, यहाँ के फिलोसफर्स, यहाँ डेट,
रॉब्सपियर, इसके बाद मैक्सिमिलियन, इसके बाद टेरर के बारे में बताया, डेट, फिलोसफर, राइटर, ये सब थर्ड स्टेट, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, इन सब चीज़ों को ध्यान से रखना। हु अमंग द फॉलोइंग एंजॉयड सर्टेन प्रिविलेजेस बाय बर्थ इन फ्रांस ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, मतलब तीनों स्टेट में से किसको जन्म से ही छूट मिली थी, विशेष अधिकार मिला था, उनको किसी प्रकार का टैक्स देना नहीं पड़ता था। तो सीधा इसका आंसर है क्लर्जी एंड नोबल्स, क्लर्जी एंड नोबल्स, मतलब सेकेंड थर्ड स्टेट में नहीं, क्लर्जी एंड नोबल जो फर्स्ट स्टेट में आते थे उनको विशेष प्रकार की छूट यानी कि खास महत्व प्राप्त था, और इसलिए इसका आंसर ये है। अब हम बात करें 18वें प्रश्न की, तो ये देखिए 18वें प्रश्न में क्या कहा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट फ्रेंच सोसाइटी ऑफ 18th सेंचुरी, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है फ्रांस की क्रांति के संदर्भ में, तो ये तो पढ़ना पड़ेगा। क्या कह रहा है, कह रहा है कि इट वॉज डिवाइडेड इंटू थ्री स्टेट, ये तो सही है, ये तो सही है। कह रहा है द मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट टू स्टेट एंजॉयड सम प्रिविलेजेस बाय द बर्थ, सही बात है ये भी, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के लोगों को खास प्रिविलेज प्राप्त थी। पीपल ऑफ ऑल द स्टेट वर पेइंग टैक्स, नहीं, तीनों स्टेट के लोग टैक्स नहीं पे करते थे, केवल थर्ड स्टेट के लोगों को टैक्स, ये गलत है, यानी आंसर हमारा यही हो गया। आखिरी है पीजेंट्स वर पार्ट ऑफ द थर्ड स्टेट, मतलब किसान तीसरे स्टेट में आता था, यस। तो कह रहा है विच ऑफ द नॉट करेक्ट की बात कर रहा है ना, नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट में यही है और दैट इज द आंसर। 19 कह रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फ्रांस द फॉल ऑफ बस्टाइल टूक प्लेस, वही वाली बात है, बस्टाइल यानी जेल जो था वो कब गिरा, तो गिरा जी 14 जुलाई 1789 को। फ्रांस की क्रांति कब हुई, 14 जुलाई 1789 को। बस्टाइल कब गिरा, 14 जुलाई 1789 को, दैट इज द, ये डेट एकदम से याद कर लो, 14 जुलाई 1789, अपनी कॉपी में इस जितने भी ये क्वेश्चन जितने भी मैंने डिस्कस किया उसको रट लो, बिना ऑप्शन के याद करो, और अपने भाई बहन मम्मी पापा किसी से कहो पूछने के लिए, नहीं कोई पूछने वाला है तो ढक लो, क्वेश्चन लिखो, खुद से पूछो कि कौन सा आंसर है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रांस हो गया, नेपोलियन वॉज फाइनली डिफीटेड एट वाटरलू, नेपोलियन को हार का सामना कहाँ करना पड़ा, वाटरलू में। नेपोलियन वॉज फाइनली डिफीटेड इन वाटरलू, नेपोलियन कहाँ हारा, वाटरलू में, ये ध्यान आपको रखने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि एक एक नंबर आपको बच्चों पता है कि एसर्शन के क्वेश्चन पूछेंगे, एसर्शन क्या होता है कि जैसे एक स्टेटमेंट देंगे फिर उसके नीचे दूसरा स्टेटमेंट देंगे, ठीक है, और दोनों स्टेटमेंट या तो कोरिलेट कर रहा होगा, कोरिलेट का मतलब होगा कि पहले स्टेटमेंट को दूसरा स्टेटमेंट क्लियर कर रहा होगा, या पहले स्टेटमेंट को गलत ठहरा रहा होगा, और तब चार ऑप्शंस देंगे कि कौन कौन सा दोनों में से सही है। तो आइए ना सीधा एसर्शन के क्वेश्चंस को देखते हैं। ये 20 क्वेश्चंस हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी फ्रांस की क्रांति से किया, इस 20 को अच्छे से याद कर लेना और अपनी भी पढ़ाई जारी रखना। अलग अलग जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे और भी प्रोवाइड करवाता रहूँगा बीच बीच में, लेकिन अभी जितने मिल रहे हैं उसको अच्छे से कंप्लीट करो। ये 20 में से बहुत ज़्यादा हद है कि टकराएगा, क्योंकि स्कूल लेवल पे क्वेश्चंस बनते हैं, तब ध्यान रखना। अब आगे करते हैं 11th क्वेश्चंस को, मतलब 21वां देखते हैं, एसर्शन से बेस्ड क्वेश्चन है। एसर्शन कैसे होता है, क्या होता है, जाइए जानते हैं, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। मतलब दो स्टेटमेंट देंगे, एसर्शन होता क्या है, थोड़ा छोटा कर लो, हाँ दिख रहा होगा, दिख रहा है, तो देखो एसर्शन क्या है, दो स्टेटमेंट देंगे, थोड़ा सा और ऊपर करता हूँ, हाँ ये दिया हुआ है, देखो दो स्टेटमेंट देंगे। अब आप इतने ऑप्शंस को मत पढ़ना पेपर में, यहाँ पे प्रैक्टिस कर लो, ये चारों को यही चीज़ें मिलेगा पेपर में आपको, हर एक लगभग मुझे लगता है अदर सब्जेक्ट में भी यही है। कह रहा है कि ये समझने की जरूरत है, लिखा है क्या कि 4 questions number 1 to 4 टू स्टेटमेंट्स आर गिवन, दो स्टेटमेंट दिया जाएगा, यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, एक है गेट लगा दो, एक है एसर्शन और दूसरा है रीजन, एक है एसर्शन और दूसरा है रीजन, दो स्टेटमेंट है। अब यदि दोनों स्टेटमेंट बोथ लिखा है ऑन लेबल्ड एसर्शन एंड द अदर लेबल्ड रीजन, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर टू द दीज क्वेश्चंस फ्रॉम द कोड्स 1, 2, 3, 4, मतलब चार, दो स्टेटमेंट में चार ऑप्शंस पूछे जाएंगे
और चारों में कोई एक सही होगा वो आपको सेलेक्ट करना है। अब कैसे सिलेक्ट करेंगे कौन सा सही है, तो लिख रहा है कि यदि बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, मतलब ए पहला वाला स्टेटमेंट होगा जिसको assertion कहेंगे और जो दूसरा पार्ट होगा आर उसको हम रीजन कहेंगे, यदि दोनों सही होता है ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion और पहला सही है और दूसरा उसका एक्सप्लेनेशन है यानी करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो आप ऑप्शन नंबर ए करेक्ट करोगे, वो देगा नहीं अपना सीधा समझ आना। बोथ एन आर दोनों सही है लेकिन दूसरा आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है यानी उसका स्टेटमेंट को सही एक्सप्लेन नहीं करता है, तो आप सेकेंड ऑप्शन क्लिक करोगे, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, पहला सही है और दूसरा गलत है, तो सी आप यानी कि तीसरा ऑप्शन सही होगा, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, तब आप फोर्थ क्वेश्चन जो फोर्थ होगा वो करेक्ट करोगे। क्या कहा, दो स्टेटमेंट देगा, पहले का नाम होगा assertion, दूसरे का होगा रीजन, यदि पहला सही है और दूसरा भी सही है और दूसरा सही एक्सप्लेन कर रहा है पहले को तो ए, पहला सही है और दूसरा सही है लेकिन दूसरा सही एक्सप्लेन नहीं कर रहा है तो बी, पहला सही है और देख रहे हो ए इज ट्रू बट और दूसरा गलत है तो तीसरा, और ए इज फॉल्स और आर इज करेक्ट तो चौथा, ये सीधा है। अब आइए ना प्रैक्टिस करते हैं, इतनी बातें बताने से बेहतर है कि सीधा एग्जांपल पे चलते हैं। देखिए अब एक ही बार में क्या कहा इसने, अब दिया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका ऐसे ही रहेगा, अब देखो सीधा इस पे क्यों चले हम, या अच्छा देखना चाहोगे तो ये भी देख लो, हाँ ये यहां तक ऑप्शन, हाँ ठीक है, लिख रहा है assertion कि अपॉन, पहला स्टेटमेंट इसने दिया है assertion में, अपॉन हिज एक्सेशन लुइस 16th फाउंड एन एप्टी ट्रेजर, आप अपने मन की धारणा पे मत जाना, जो स्टेटमेंट कह रहा है वो कह रहा है कि लुइस 16th को अपने राजवंश से जब गद्दी मिला तो उसका खजाना खाली था, सही बात, खाली था खजाना, फ्रांस की लड़ाई झगड़ा इन सब में उसकी मतलब ये सब चीज़ों के कारण बहुत खजाना खाली था, तो स्टेटमेंट तो सही है। बी कह रहा है कि लॉन्ग ईयर्स ऑफ फेमाइन हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेस, मतलब फेमाइन का मतलब होता है सूखा पड़ जाना, मतलब बहुत लंबी सूखे के कारण खजाना ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेस, मतलब संसाधन को कम कर दिया यानी कि बहुत बड़ी आर्थिक तंगी आ गई, ऊपर पहले में कहा कि लुई 16 को खजाना खाली मिला और दूसरा बोला कि लंबा सूखा होने के कारण सूखा पड़ गया राज्य में जिसके कारण रिसोर्सेस कम हुए, तो अब इसमें क्या क्या है, अब देखो फर्स्ट क्या कह रहा है कि पहला है कि खजाना खाली मिला, सही बात है, दूसरा है कि सूखा के कारण भी यानी कि फेमाइन के कारण भी खजाना खाली था, तो पहला भी सही है और दूसरा सही भी है, और दूसरे खजाना क्यों खाली मिला, क्योंकि सूखा भी पड़ गया और भी रीजन थे जैसे युद्ध में खर्च होना और सब चीज़ें, तो दोनों स्टेटमेंट सही है और सेकंड पहले को एक्सप्लेन कर रहा है, तो देखो आंसर नंबर फर्स्ट दे दिया ना, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द सर्च, तो इस केस में पहला आंसर सही जाएगा, इसलिए इसने क्या आंसर टिक किया है, फर्स्ट इज द राइट आंसर। समझ में आ गई बात, ऐसे सर्शन एक दो प्रैक्टिस करोगे ना तो नया नया कुछ भी चीज होता है तो दिक्कत। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा, द मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट टू स्टेट्स एंजॉय सर्टेन प्रिविलेजेस बाय बर्थ, मतलब पहले स्टेट और दूसरे स्टेट के लोगों को खास छूट थी, सही बात है, छूट थी ना, उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था, तो पहला सही है। दूसरा क्या कह रहा है, दे वर रिस्पेक्टेड बाय द सोसाइटी, मतलब पहले स्टेट और दूसरे स्टेट के लोग समाज के द्वारा इज्जत पाते थे यानी समाज उनको रिस्पेक्ट करता था, नहीं करता था, उनको छूट थी जिसके कारण जलते थे और लोग कहते थे कि इनको क्यों छूट है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है कि दोनों को छूट थी, दूसरा जो कह रहा है कि रिस्पेक्ट मिलता था वो गलत है, यानी कि पहला करेक्ट और दूसरा सही, तो इस केस में आंसर कौन सा, तीसरा होता था, याद है ना, इस केस में आंसर तीसरा आपको दिया ना कि पहला, ये देखिए तीसरा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, एक ही बार बोल देगा, अब आपको उस ऑप्शन में टिक करते जाना है, तो इसलिए इसका आंसर कौन सा, विच इज द करेक्ट आंसर, तीसरा, यदि पहला सही और दूसरा गलत तो तीसरा आंसर, और पहला गलत और दूसरा सही तो चौथा आंसर, इस तरह। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लिख रहा है
assertion. The representatives of the first state viewed, क्या कह रहा है? The representatives of the first state, मतलब पहले स्टेट के जो प्रतिनिधि थे, viewed themselves as a spokesman of the whole French nation. मतलब पहले स्टेट के लोग अपने पूरे फ्रांस का स्पोक पर्सन अपने आप को घोषित करता था. भाई ऐसी तो कोई बात नहीं थी स्पोक्स पर्सन, मतलब ऐसा तो कहीं कोई बात नहीं कहेगा कि जो फर्स्ट स्टेट के लोग फ्रांस को अपना स्पोक पर्सन यानी कि घोषित करता था, ऐसी कोई बात नहीं कही गई थी, तो ये गलत है. दूसरा कह रहा है दे एंजॉयड सर्टेन प्रिविलेजेस बाय बर्थ, ये सही है कि फर्स्ट स्टेट के लोगों को जन्म के आधार पर ही एक छूट थी. तो जब पहला फॉल्स और दूसरा करेक्ट, तो डी आंसर है और इसका आंसर इसलिए फोर्थ. मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा. अब फोर्थ पे बात करें, फोर्थ है आखिरी, ये लिख रहा है कि द पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794 इज रेफर्ड एज द रीन ऑफ टेरर. बात अभी बार बार पर है कि 1793 से लेकर 1794 के पीरियड को आतंक राज के नाम से यानी रेन ऑफ टेरर के नाम से जाना गया. रेन वर्ड का मतलब ही होता है काल वो अवधि, पहला सही. दूसरा कह रहा है कि द मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन क्लब बिलोंग्ड टू द लेस प्रॉस्पेरस सोसाइटी. कह रहा है कि द मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन क्लब बिलोंग टू द लेस प्रॉस्पेरस सोसाइटी, दोनों सही है. लेकिन सेकेंड वाले स्टेटमेंट का पहले वाले स्टेटमेंट से कोई मतलब नहीं है, एक्सप्लेनेशन नहीं है. तो ये भी सही कि 1793 से 94 के बीच को टेरर कहा गया, मतलब रेन ऑफ टेरर कहा गया. लेकिन ये कह रहा है कि द मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन क्लब बिलोंग्ड टू द लेस प्रॉफिट, यानी कि जो जैकोबिन क्लब के लोग थे वो इतने समृद्ध नहीं थे, तो ये भी सही है. लेकिन दोनों स्टेटमेंट में कोई ताल्लुक नहीं है, यानी कि कोई संबंध नहीं है, तो इसलिए इसका सही आंसर सेकेंड है. मैंने क्या कहा, यदि पहला ऑप्शन एसर्शन सही और दूसरा भी सही, लेकिन दूसरा थोड़ा सा ऐड हो जाएगा पहला, कि पहले का सही एक्सप्लेनेशन हो तो पहला आंसर ठीक हो जाएगा. सही भी होना चाहिए और दूसरा एक्सप्लेनेशन होना. दूसरे में कब होगा आंसर, यदि फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट सेकंड स्टेटमेंट इज राइट, लेकिन सेकंड दूसरे का कोई ताल्लुक नहीं होगा, एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, तो सेकंड. पहला सही और दूसरा गलत, तब तीसरा आंसर. पहला गलत और दूसरा सही, तब चौथा आंसर. ये क्लियर है, ये सब में मिलेगा, ये एक बार बोल देगा और फिर आंसर ये. आप रट लो, वहाँ बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं, एक में पढ़ना और टक 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 टक. एसर्शन बेस क्वेश्चन का मतलब यही है. तो मेरे प्यारे बच्चों, फ्रेंच रिवोल्यूशन यानी फ्रांस की क्रांति से महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने डिस्कस किया, लगभग चार एसर्शन के क्वेश्चन और 20 फ्रेंच रिवोल्यूशन के मेन क्वेश्चन, जिसमें हमने फिलोसफर्स बुक डेट और सारी चीज़ों के फैक्ट्स के बारे में जाना. फ्रांस की क्रांति से रिलेटेड कंप्लीट वीडियो और उसका कंप्लीट इंग्लिश और हिंदी में नोट हमने अपने यूट्यूब चैनल पर डाला है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो में मिलेगा, जा करके आप देख सकते हो. बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उसको बैठे बैठे देखोगे, ज़्यादा नहीं लेस देन, मतलब लगभग 20-30 मिनट का वीडियो है टोटल, यानी लेस देन 1 आवर का है. बढ़िया से देख लेना इस 20 क्वेश्चन को और इस 4 क्वेश्चन को समझ के प्रैक्टिस करना, यू विल गेट 100% मार्क्स इन योर पेपर. थैंक यू वेरी मच.